हाय गाइस, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्रग डैडी। तो इंट्रो देखकर आपको एक अंदाजा आ चुका होगा कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं वैक्सीनेशन के ऊपर, जिसे लसीकरण भी बोलते हैं या फिर टीका भी बोलते हैं। वैक्सीन क्या होती है, ये समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे बॉडी की जो डिफेंस सिस्टम है उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, वो आखिर कैसे काम करती है। आए दिन हमारे बॉडी पर तरह तरह के नेचुरल अटैक्स होते रहते हैं, जैसे कि पोलन ग्रेन्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, डस्ट एटसेट्रा। इन अनवांटेड मेहमानों से लड़ने के लिए हमारे बॉडी में एक अलग से अपना खुद का एक मिलिट्री सिस्टम होता है, जिन्हें बोलते हैं WBCs या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स। ये WBCs इन्फेक्शन से लड़कर उन्हें बॉडी से बाहर फेंकने का काम करते हैं। कुछ खास तरह के WBCs जैसे कि टी सेल्स या फिर बी सेल्स, ये सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती बल्कि उससे भी आगे जाकर फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देती है। इन्फेक्शन से लड़ते लड़ते उनका एक तरीके से स्टडी हो जाता है इन्फेक्शन के बारे में। इस पूरे स्टडी को वो एक केमिकल प्रोग्राम की तरह याद रखती है। लड़ने का पैटर्न याद रखने के कारण इन सेल्स को मेमोरी सेल्स भी बोला जाता है। अगली बार जब फिर से सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है सेम बीमारी का, तब ये मेमोरी सेल्स उन इन्फेक्शन को क्विकली रिकॉग्नाइज करके इन्फेक्शन के फर्स्ट स्टेप में ही खत्म कर देते हैं। इस पूरे डिफेंस मैकेनिज्म को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं इम्यूनिटी या फिर इम्यून रिस्पांस। अब जब हम इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के बारे में समझ चुके हैं, तो वैक्सीनेशन क्या होता है ये समझने में हमारी मदद होगी। अर्ली स्टेज में होने वाले किसी भी तरह के इन्फेक्शन को और जिससे भविष्य में होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए किसी पर्टिकुलर प्रोसीजर से इस मेमोरी इफेक्ट को अपने बॉडी में सिंथेटिकली जनरेट किया जाता है। वो कैसे ये जान लेते हैं। मार्केट में तरह तरह किस्म के वैक्सीन होते हैं, कुछ इंजेक्टेबल फॉर्म में होते हैं या फिर कुछ ओरल ड्रॉप्स के फॉर्म में होते हैं। इन वैक्सीन में टेक्निकली स्पेसिफिक बीमारी पैदा करने वाले वायरसेस या फिर बैक्टीरिया होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसा इलाज का तरीका है, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि वैक्सीन के अंदर जो मौजूद वायरसेस एंड बैक्टीरिया को रॉ फॉर्म में कभी यूज नहीं किया जाता, बल्कि हाईटेक लेबोरेटरी में कंट्रोल्ड क्लाइमेट में इन्हें प्रोसेस करके इन बैक्टीरिया और वायरसेस की पावर एकदम से घटा दी जाती है, जिससे इनमें से सारे बीमारी पैदा करने वाले फैक्टर्स बिल्कुल एलिमिनेट हो जाते हैं। और फिर जब ये तसल्ली होती है कि ये दवाई के तौर पर यूज किए जा सकते हैं, तब इन्हें डोज फॉर्म में बनाया जाता है। यह बनी हुई वैक्सीन उसके बाद दी जाती है एक हेल्दी बच्चे को, जिससे उस बच्चे के अंदर ये वायरसेस या फिर बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, कंट्रोल्ड पावर वाले वायरसेस या फिर बैक्टीरिया इस बच्चे में बीमारी बिल्कुल नहीं पैदा करते, तो बीमार पड़ने के बजाय उसके बॉडी में जो टी सेल्स और बी सेल्स है उन्हें केमिकल ट्रिगर मिल जाता है और वो स्टिम्युलेट हो जाते हैं। ये स्टिम्युलेशन एक फॉल्स स्टिम्युलेशन होता है। टी सेल्स और बी सेल्स के लिए इसका ये मतलब होता है कि कोई बाहरी इन्फेक्शन आ चुका है बॉडी में, तो अब हमें खुद को मल्टीप्लाई करना होगा। एज ए रिजल्ट, जैसे कि मैंने बताया था, इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, वो भी बिना बीमार पड़े। और जैसे ही हमारे बॉडी से इन्फेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ये सारे मेमोरी सेल्स अपने बॉडी में एक लंबे समय के लिए स्टैंड बाय मोड पे चली जाती है, और नेक्स्ट टाइम जब सेकेंडरी सेम इन्फेक्शन होता है, तब उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इस सिस्टमिक अलर्टनेस के कारण अगली बार वो इम्यूनाइज्ड बच्चा अगर इन्फेक्शन की चपेट में आ जाता है, तब जनरेटेड रैपिड इम्यून रिस्पॉन्स से वो बच्चा बिल्कुल बीमार नहीं पड़ता। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कई प्रोग्राम्स के अंतर्गत पूरी दुनिया में कई सारे देशों में कई लोगों को एक ही साथ इम्यूनाइज्ड कर दिया है। पूरी दुनिया में कई सारे देशों में से पोलियो और स्मॉल पॉक्स जैसे वायरल डिजीजेस ऑलरेडी इरेडिकेट कर दिए जा चुके हैं। हमारे हिंदुस्तान में पिछले 2-3 सालों से अपने गवर्नमेंट ने एक मुहिम चला रखी है अगेंस्ट रूबेला एंड मिजल्स, और इस MR प्रोजेक्ट के अंतर्गत हर्ड इम्यूनिटी नाम के प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है एक स्पेसिफिक टाइम में अगर सारे बच्चों को वैक्सीनेशन करा के एक साथ इम्यूनाइज किया जाता है, तो वायरस को सर्वाइव करने के लिए ह्यूमन बॉडी एज अ कैरियर बिल्कुल अवेलेबल होता। एज ए रिजल्ट उस वायरस का वजूद बिल्कुल मिट जाता है। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आज इंडियन गवर्नमेंट ने पोलियो और स्मॉल पॉक्स का वजूद अपने देश से पूरी तरह से मिटा दिया है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन तो आजकल दी भी नहीं जा रही, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इसे प्रमोट करना भी बंद कर दिया है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट काफी सीरियसली MR वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रन कर रही है, क्योंकि मिसल्स, जिसे खसरा या फिर गोर के नाम से भी जाना जाता है, इसके कई सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस, ब्रेन इन्फेक्शन और टीबी जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को अट्रैक्ट करना, और साथ ही साथ रूबेला एक प्रेग्नेंट लेडी को होने वाला एक तरीके का मिजल ही है, जिससे उस लेडी को खास नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन उसके पेट में रहने वाले उस बच्चे को, उस बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। कई बार इन्फेक्शन इतना माइल्ड होता है कि लेडी को पता भी नहीं चलता कि उसे मिजल्स हो चुके हैं, और पता तब चल जाता है जब डिलीवरी के बाद बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे में कई सारे कंजेनाइटल डिफेक्ट्स डायग्नोस हो जाते हैं। वायरल होने के कारण ये बीमारियां बहुत तेजी से और बहुत खतरनाक तरीके से फैल सकती है। इस पूरे कैंपेन का इनिशिएटिव सच में काबिले तारीफ है, बट कुछ दिनों पहले एक दो जगह से एक न्यूज निकल कर आई कि इस वैक्सीन को देने की वजह से कुछ बच्चों को एडमिट करना पड़ा। फिर मेरे दिमाग
दिमाग में कीड़ा आया कि थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करके क्यों ना जानने की कोशिश करते कि इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है। इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैंने एक तरीका सोचा। आज की तारीख में पैसों से भी ज्यादा कीमती चीज क्या है, तो वो है डेटा। मैंने गूगल बाबा की मदद ली और सर्च किया CDSCO इंडिया। पहली लिंक क्लिक करी तो वो सर्वर प्रॉब्लम की नोटिस बता रही थी। जब दूसरी लिंक खोली तो कनेक्शन नॉट सिक्योर वाली नोटिस बता रही थी। तीसरी वाली लिंक आखिरकार खुल गई। मैंने इस लिंक के अंदर एक वैक्सीन वाला टैब था, उसे एक्सप्लोर करना चाहा और सोचा कि वहां पर कोई अपडेट होगा इस कैंपेन के बारे में तो पढ़ लूं। लेकिन फिर वही बात, वैक्सीन वाले टैब के सब टैब्स या तो खुल ही नहीं रहे थे या फिर जो खुल रहे थे उनकी जानकारी बिल्कुल बेमतलब थी। मैं ये बात मान ही नहीं पा रहा था कि इतना बड़ा ये सोशल हेल्थ कैंप है लेकिन इसके बारे में सेंट्रल ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी अपडेट नहीं। ये कैसे हो सकता है? और ऊपर से ये कॉपीराइट वाला नोटिस चिपका दिया है उन्होंने ताकि कोई भी इनके सीरियस लूपहोल्स के बारे में डिस्कस ना कर सके। इस नोटिस के वजह से मैं आपको इस वेबसाइट का स्क्रीन प्ले तो नहीं दिखा सकता, बट मैं सबूत तो जरूर कैरी कर सकता हूँ और आप खुद भी इस लिंक्स को विजिट करके इस बात को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर मेरा मानो जैसे कि भरोसा ही उठ गया इस कैंपेन से। बट थोड़ा और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने पे मुझे एक वेबसाइट मिली जिसे क्लिक करते ही मुझे अनएक्सपेक्टेडली सारी जानकारी मिल गई इस कैंपेन के बारे में। और ये बात साबित हुई कि गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स के पैसे जाया नहीं कर रही है। आप सभी से मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इस वेबसाइट की लिंक को जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है उसे विजिट कीजिए और MR वैक्सीन के कैंपेन के बारे में सारी जानकारी हासिल कीजिए। सिंपल इंग्लिश में सारी जानकारी है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस एक्सप्लेनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको बताऊं तो 9 महीने से लेकर 15 साल की एज ग्रुप तक सभी तरह के बच्चों को इस टीके का, इस वैक्सीन का पूरा डोज देना बहुत जरूरी है। अगर पिछला डोज 1 महीने पहले दिया गया हो तो भी ये डोज फिर से रिपीट करना चाहिए। अगर कोई बच्चा बीमारी से ऑलरेडी सिक है, जैसे कि कुछ उसे सर्दी जुकाम जैसा वायरल इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है या फिर कोई बच्चा स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट पे है या किसी बच्चे को ऑलरेडी कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डायग्नोस हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ इस 3 केसेस में ही इस वैक्सीन को अवॉइड कीजिए। देखो मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, इसलिए अगर आपको 100% अश्योर होना है इस वैक्सीन के बारे में तो आपसे फैमिली डॉक्टर की राय लेना बिल्कुल ना भूलिए। फैमिली डॉक्टर इसलिए क्योंकि उसी पे आपका सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता है। और साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी कुछ कहना चाहता हूँ। ये बड़े शर्म की बात है कि एक सीरियस हेल्थ केयर कैंपेन होने के बावजूद इस कैंपेन के बारे में सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी के ऑफिशियल पोर्टल पर कोई भी अपडेट कैसे नहीं है। सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी यानी कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के गॉडफादर या फिर जिन्हें सुप्रीम कमांडर भी बोला जा सकता है, इतना रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट होने के बावजूद इनकी वेबसाइट आखिर अपग्रेड क्यों नहीं हुई अभी तक। शर्म से कंपेयर करना पड़ रहा है कि USFDA की अगर ऑफिशियल वेबसाइट को हम विजिट करें तब हम फील कर सकते हैं कि उनकी वेबसाइट कई ज्यादा एडवांस है। FDA के सोशल मीडिया अकाउंट्स तक आवरली बेसिस पर अपडेटेड रहते हैं, यहां तक कि USFDA का अपना खुद का ऑफिशियल YouTube चैनल भी है। सिर्फ अफवाह मत फैलाओ ऐसा बोल के लोगों को एजुकेट नहीं किया जा सकता। लोगों के दिल जीतने के लिए और लोगों को 100% अश्योर करने के लिए रिकॉर्ड्स में ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली डिजिटल इंडिया का जो विजन है वो सिर्फ पार्टियों के फेसबुक पेज तक ही सीमित है। ये कड़वी सच्चाई है, ये आपको माननी पड़ेगी। वीडियो खत्म करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूलिए। और इस वीडियो को आपकी सिस्टर, आपकी मदर, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ सभी के साथ शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ये वैक्सीनेशन के बारे में उन्हें जानकारी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपने अपने बच्चों को चाहे जितना भी पोलियो की खुराक दिलाए हो, उनके अतिरिक्त पहले आपने अपने बच्चों को चाहे जितना भी पोलियो के खुराक दिलाए हैं। हाँ, ये क्या लिखे हो भेंडी माँ की आँख यार, हिंदी के तो लगे हुए। अपन अपने 5 वर्षाचे मुलांना जवळ जवळचा पोलिओ केंद्र पोलिओ डोस मावशीची माकी मुलांना आपण कितीही पोलिओचे डोस दिले असली तर असली काय का बेर तेरे बापने कभी सिखाया था भैसे बोलने को। मुलांना जवळचा पोलिओ केंद्रावर पोलिओ डेल माक का माकी।